तो जिंदगी में जब भी हम कहीं भटक जाते हैं, खो जाते हैं या गुम हो जाते हैं ना, तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जिसकी हमें याद आती है, वो होता है घर। घर जिसकी यादें चाहे इस शहर में हम चाहे जितने भी मकान बदल लें, पर उसकी यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। पापा के गेट खोलने की आवाज़ से लेकर के आंगन में रखे उस झूले की चूं चूं तक, माँ के चिमटे से पिटाई से लेकर के उनके खीर की महक तक, एग्ज़ाम में फेल होने की मायूसी से लेकर के रेस में फर्स्ट आने की खुशी तक, घर ने ना सब कुछ देखा है, महसूस किया और आज तक महफूज रखा है। जैसे तुम्हें याद है, तुम्हें याद है पहले लोको पोको या बूमर के साथ एक रुपए वाला स्टिकर आया करता था, उसे ना मैं अपने अलमारी के पल्ले पे चिपका के ना काफ़ी खुश हो जाया करता था। और अब जब जिंदगी के उस पड़ाव पे हूँ, जब मेरा इमोशनल क्वोशेंट काफ़ी कम लगता है, उतनी ज़्यादा खुशियाँ मुझे नसीब नहीं होती हैं, तो ये रियलाइज़ होता है ना कि खुशियाँ किसी बड़े बुलंद दरवाजे से खटखटा कर नहीं आती, इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स में आया करती हैं। या फिर ये सब छोड़ो, वो साइकिल याद है तुम्हें जो हमें पहली बार तोहफे में मिली थी, जिसके बगल दो बैलेंसिंग व्हील्स हुआ करते थे, वो हमारे लाइफ की पहली फोर व्हीलर थी। उसे पाके तो ये तय किया था ना, उसे पाके ये तय किया था कि इसे तो इतनी रफ्तार से चलाना है, इतनी तेज़ी से चलाना है कि साली पूरी दुनिया पीछे छूट जाए। पर उसने रफ्तार नहीं, गिरना सिखाया। उसने सिखाया कि ब्रेव इज़ नॉट द वन हु डजंट फॉल, बट द वन हु फॉल्स एंड गेट्स अप। और ऐसी कुछ चोट सीख और लेसन्स को सीखते सीखते, गल्प डाउन करते करते, ज़िंदगी में एक दिन वो पड़ाव आ गया जिनमें से हम में से लगभग हर किसी को गुजरना पड़ता है। मैं एक काफ़ी छोटे शहर से था और मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना था, एक बोर्डिंग स्कूल में। घर में ना काफ़ी माहौल गमगीन चल रहा था, लाइक सब सीरियस थे, सब सेंटी थे, पर मैं काफ़ी नॉर्मल था, इनफैक्ट एक्साइटेड था। आई मीन नए लोग, नई जगह, और ब्रोशर में जिन हसीन कन्याओं की तस्वीरों को देखकर जिन्हें मैं अपना करियर सौंपने वाला था, उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट करने के बाद, वहाँ मेरा एडमिशन कराने के बाद, मम्मी पापा और भैया तीनों मुझे गेट तक छोड़ने आए। ये सीन काफ़ी सिनेमैटिक है। गेट के इस तरफ वो तीन, गेट के इस पर मैं। जाते जाते ना सब ने अपने हिस्से का ज्ञान दिया। पापा ने कहा यहाँ भी तुम्हें पढ़ना में अच्छा नंबर लाने हैं, यहाँ भी तुम्हें टॉप 10 में आना है। भैया ने कहा यहाँ मत लड़ लियो किसी से, यहाँ बचाने वाला मैं नहीं हूँ। और माँ कुछ नहीं बोल पाई, बस रोती रही। और जाते जाते बस इतना कहा कि वो जो एयर बैग है ना, उसमें टॉवल के नीचे लड्डू रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। उस टाइम मुझे भी काफ़ी इमोशनल फील होने लगा था, काफ़ी मशी फील होने लगा था, पर उस समय के टीनेज हार्मोनल चेंजेस ने ना ये सिखाना शुरू कर दिया था कि मर्द रो नहीं सकते, चुपचाप सब सहते हैं वो। तो मैं फट से अपने हॉस्टल की ओर मुड़ा और भाग गया। स्कूल का पहला दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आई मीन मुझे लगा ये सब पिकनिक जैसा तो है, आई मीन नए दोस्त बन रहे हैं, नई जगह है, पढ़ने के लिए कोई बोल नहीं रहा है, मन कर रहा है तो पढ़ाई करो, नहीं कर रहा है तो गप्पे, सब कुछ सॉर्टेड तो है। एक डेढ़ हफ्ते ऐसे ही हंसते खेलते निकल गए। फिर पहला एग्ज़ाम हुआ और मैं फेल हो गया। लाइफ की पहली फेलियर। आई मीन ऐसा लग रहा था ना कि जिस हकीकत को मैं एक खूबसूरत ख्वाब समझ रहा हूँ, वो तो एक बुरा सपना है। सारे दोस्त बात करना बंद कर दिए थे, टीचर्स ने टेंशन देना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि घर से निकलना, जिसे मैं आज़ादी समझ रहा था, वो तो अब जिंदगी भर की उम्र कह दे। ऐसे टाइम पे ना जब मैं काफ़ी सैड हूँ तो मुझे भूख बहुत लगती है। तो मैं सोचा थोड़ा मैस जाके कुछ खा लूँगा तो शायद बेहतर महसूस हो। तो जैसे मैं मेस की ओर बढ़ने लगा और अपनी जेब टोया, तो मेरी जेब से मेरा मेस कार्ड गायब था, क्योंकि मैं लापरवाह हूँ। और क्यों ना हूँ, हमारे माँ बाप की परवरिश ही इतनी अच्छी होती है कि उनके औलाद का लापरवाह होना लाजमी है। फिर मैं मेस मैनेजर के पास गया। मैंने कहा सर मुझे काफ़ी ख़राब महसूस हो रहा है, प्लीज़ कुछ खाने को देंगे क्या? काफ़ी रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने बदले में सिर्फ 5 शब्द दिए, नो मेस कार्ड, नो फूड। बात को समझ ही नहीं आई। आई मीन पहले जब सजी सजाई थाली आती थी तो उसे हटा दिया करते थे कि ये सब्जी क्यों बना रखी है, और आज जब जरूरत है तो अन्न का एक निवाला नहीं मिलेगा।
ऐसे लग रहा था ना जैसे मैं किसी आसमान में उड़ रहा हूँ, किसी ने मेरे पंख काट दिए और जमीन के बल मुंह पे पटक दिया है, जैसे किसी सुनसान काली हाईवे पे मैं लोगों से लिफ्ट मांग रहा हूँ पर कोई रुक ही नहीं रहा। उस समय के इमोशनल बिहेवियर ने मेरे सारे टीनेज हार्मोनल चेंजेस को मसल दिया और आंखों से टप 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 करके आंसू बहने लगे। फिर अपने कमरे में गया, एयरबैग का वो चेन खोला, टॉवल हटाया और मुंह में एक लड्डू खा के ये रियलाइज किया ना कि जिंदगी में जब भी कभी हम कहीं भटक जाते हैं, खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं ना, तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जिसकी याद आती है, और वो होता है घर। थैंक यू।